सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज भाई हम लोग जा रहे हैं, रिया के कोई रिलेटिव्स हैं तो उन्होंने हवन पूजा रखी हुई है यहीं पर ही पास में हिंदू टेंपल में, जहां आप लोगों को याद हो मैं बर्थडे पे गया था। सो वहां जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे कैसा है यहाँ का टेंपल और कैसे कर रहे हैं हवन पूजा और सब कुछ। और बहुत लेट हो गए हैं भाई, अभी बस भी लेनी है और ट्राम भी लेनी है, बस ट्राम दोनों लेनी है और अप्रोक्स 40 घंटे ओ शिट भाई 40 मिनट लग जाएंगे। एंड कितने बजे चालू होना था यार? 10:30 चालू होना था और ऑलरेडी 11 o'clock हो गए हैं। तो भाई देखते हैं, पहुँचते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं। सो गाइस पता बात क्या है, इसने मेरे को ये चीज़ अभी बताई है कि 11:45 पे मतलब एक तरीके से भोजन खाना शुरू हो जाएगा। तो भाई हम उसी टाइम पे पहुँचेंगे ना, हवन के टाइम पे हम शायद पहुँच ही नहीं पाएंगे, 5-10 मिनट पहले पहुँचेंगे मुश्किल से, वो भी शायद है बस के ऊपर है, बस आती है टाइम से। तो अब देख लो कितनी बेइज्जती वाली बात है कि सीधा खाने के लिए आ गए हैं। बात तो सही है, ये आइए। तो गाइस बस में बैठ गए हैं और ये छोटी सी बस है, जैसे स्कूल टाइम में आरटीबी बस नहीं होती थी छोटी सी, तो भाई उसमें जा रहे हैं। बढ़िया है, छोटी सी बस चलती है यहाँ पे। ये मेरे को पिछड़ा हुआ गांव जो लग रहा है। क्या बोला तूने? फ्लैशबैक। ये मेरे को पिछड़ा हुआ गांव जो लग रहा है, पता नहीं भाई पिछड़ा वो गांव लग रहा है, बट ठीक है। फाइनली वी आर एट हिंदू टेंपल। अच्छा बना रखा है हिंदू टेंपल इन कैलगरी, बहुत ही अच्छा है। चलो अंदर चल के दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस बात ऐसी है, हवन हो गया, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने खाने का आयोजन रखा है, हम वो खाने आए हैं, ले रहे हैं खाना, बहुत ही अच्छा है। बड़ा एरिया है, बहुत काफ़ी लोग हैं, जो लोग कैलगरी में रहते हैं वो करवा सकते हैं। तो गाइस काफ़ी टाइम बाद वो लंगर वाला खाना, उसकी फील्स आ रही है, बहुत ही अच्छा। सो गाइस फाइनली एवरीथिंग इज़ डन, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा नहीं होता मन को शांति मिल जाती है, एक फ्रेशनेस आ जाती है, वो हो गई भाई। चलो गुड। अब यार अभी तो हम लोग जा रहे हैं घर, मेरे को एडिटिंग करनी है, देन शाम को यार डिनर पे जाना है, हाँ जाना है। तो भाई आरसी और शगुन और इन्होंने प्लान बनाया था तीनों ने डिनर का, बेसिकली शगुन का था क्योंकि उस वो किसी इंडियन रेस्टोरेंट गई थी, पंजाबी रेस्टोरेंट, तो वहाँ से उसने खाना खाया वो पहले भी, तो शी सेड कि भाई शाम को खाने चलेंगे, तो उसने मेरे को बताया था और ये कह रही है पक्का है, तो फिर जाना ही होगा। तो मिलते हैं आपसे शाम में, तैयार व्यार होके नहा धोके और दिखाते हैं आपको इंडियन रेस्टोरेंट हम कहाँ खाना खाने जा रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। ओके गाइस, सो भाई हम लोग जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट डिनर करने, इन लोगों ने बताया है एक रेस्टोरेंट इंडियन कुजीन करके है, तो लेट्स सी खाएंगे कुछ और देखते हैं कैसा टेस्ट है। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, रिया तू फर्स्ट टाइम? तू तो फिर ये शगुन ही गई है सर? अरे तू ही गई है, मेरे को पता है यार, हाँ शगुन गई है तभी तो, हाँ तो भाई शगुन ही गई है, तो इसने बताया अच्छा है, लेट्स सी हम जाएंगे और वहाँ जाके आपको भी रिव्यू देते हैं उसका कैसा है, कितना अच्छा खाना है और नहीं। गाइस फाइनली 1 घंटे बाद जाके पहुँचे हैं हम लोग, पहले ट्राम ली थी फिर बस ली, अब पहुँचे हैं और अभी भी जा रहे हैं, पता नहीं किस साइड है,
कितनी देर की वॉक है यहाँ से? 7-8 मिनट की वॉक हो रहा है, पता नहीं ऐसा कौन से रेस्टोरेंट में लग जा रही है। ना खाना नहीं अच्छा हुआ ना, मुक्का मारूंगा तेरे को मैं सही में। चलो ठीक है गाइस, वहाँ जाके दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हम पंजाबी इंडियन क्यूजीन। क्या आ रही है? कहाँ आ रहा है? लार गिर गया लार। खाली पड़ा दस बोर्ड मेरे को तो नहीं लग रहा। यहाँ बैठे हाँ चलो सॉरी। जाओ ये फाइनली पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, पहुंच चुके हैं 1 घंटे बाद। कोई नहीं पर अच्छा है, चलो बढ़िया है। तो अपनी पहली डिश तो आ गई है, आलू टिक्की विद चिक पीस। भाई हमारा पनीर टिक्का सिजलर भी आ गया है, ये देखो बुखड़ दोनों। ये तीसरी मैं भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं हूँ। तो भाई सिजलर तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? नहीं। सो गाइस अपना मेन कोर्स भी आ गया, गार्लिक नान विद स्पेशल पनीर एंड स्पेशल गोट। तो खाते हैं और आपको फिर बताते हैं कैसा रिव्यू रहा और कैसा टेस्ट है इसका। सो गाइस फाइनली खाना खा लिया है, बिलिंग हो गई है। अच्छा था, इन तीनों की बातें नहीं खत्म हो रही है यहाँ पर। बिलिंग हो गई है, बहुत अच्छा था खाना। मतलब एक चीज़ है बट कि थोड़ा सा मेरे को ओवररेटेड लगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। खाना अच्छा है और चलो इतना तो चलता है यार, वंश नबी खाते हैं तो इतना तो चलता है। चलो ठीक है, मिलते हैं स्टेशन पे पहुंच के। सो गाइस हम लोग हैं ट्राम में और पहुंच रहे हैं और इस पागल ने उल्टे उल्टे गाने चला दिए। अरे इसका बोल चलाना काली दी, क्या बोलता हूँ हाँ काले दिली बाज वाली। पर हाँ यार अब ट्राम में, पहले हमने कैब ले ली थी, अब ट्राम में जा रहे हैं हम घर। हाँ 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 हेडशॉट देगी मेरे को। गाइस फाइनली आ गए हैं घर, काफ़ी थक गए हैं और पेट पूजा तो हो गई है। तो भाई आप लोगों से मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।